रुको। चाय चाय हाँ हाँ चाय 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 बस अब देखो तो अभी हम जा रहे हैं एक भाई को ढूंढने जिसको हम पिछले 1.5 घंटे से ढूंढ रहे हैं और बहुत मानसिक अस्थिर व्यक्ति है और बड़ौदा से हमको फ़ोन आया था कि ऐसे एक भाई रह रहे हैं तो 1.5 घंटे से ढूंढ रहे हैं यहाँ आसपास पूछा फिर भी कोई अता पता नहीं पर एक भाई का अचानक से फ़ोन आया कि वो मिल गए तो चलो निकल जाते और देखते आगे क्या होता है। कैसे हो बापू? बैठो 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 आराम करो आराम करो आराम बैठो बैठो आप बैठ जाओ। अरे बैठो बैठो एक मिनट रुको एक मिनट मेरी बात सुनो भागो मत। चाय तो पीवा हाँ, चाय पीवीस तुम्हारे चलो अपने बेसन चाय पिए हाँ बस बैठो बैठो बस आपने नाश्ता ले आओ कहीं खाओ जाए ऐसा हुआ तो बोलो शू नाम छे तुम्हारू लो आ नीचे मुकी दो लो आ बाकस पर नीचे मुकी दो शू नाम छे तुम्हारू चले आओ जाओ हैं चलो मैं बच्चे ऊपर ऊपर आपने साथे जाइए बैठो बेसन पीवान कीधुन रुको हाँ हाँ चाय 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 रुको बैठो बैठो बैठ जाओ क्यों भाग रहे हो हमसे आपको थोड़ी कोई मारने आया इधर कितनी दूर से आ रहे हैं पता है आपको 2 घंटे से आपको ढूंढ रहे थे हम ए भाई आपका नाम क्या है सर विकास भाई आप कितने टाइम से जानते हो लगभग 1 साल से हो गया 1 साल से ए भाई का नाम पता है कुछ नहीं पता नाम नहीं बोलते नाम नहीं बोलते अच्छा चाय वाय पिलाता हूँ मैं उनको नाश्ता वास्ता करवाता हूँ पर कुछ कपड़े वपड़े का पूछता हूँ तो कुछ जवाब नहीं देते तो अभी ये कौन सा लोकेशन है ये सोमा तालाब है बड़ौदा है बड़ौदा सोमा तालाब मैं फोन किया अच्छा तो अभी मतलब उसके परिवार में आप कुछ जानते हो कुछ भी डिटेल नहीं है कुछ डिटेल नहीं तो यहाँ रोड पे रिस्पॉन्स नहीं मिलता इनसे बस सिर्फ खाना है तो हाँ चाय पीना है तो हाँ बस भागोगे नहीं ना छोड़ दे हाँ बस भागना मत शांति से बैठो क्या नाम है आपका नाम क्या है आपका आपका नाम क्या है ऐसे हालात में घूमना चाहिए देखो मेरे सामने देखो इधर देखो भैया इधर देखो इधर भाई इतना क्यों शर्मा रहे हो आपका कुछ खराब नहीं होगा भैया इधर देखो बस समझदार हो इतने अच्छे इंसान हो ये आप बोल रहे थे कुछ पढ़े लिखे भी है हाँ उनको सब पता है उनके बात सब करते हैं बात हमसे अच्छा तो यहाँ बड़ौदा से हमें काफ़ी लोगों के मैसेज मिले थे भाई के बारे में तो व्हाट्सएप के माध्यम से यहाँ तक हम पहुँचे हैं तो भैया देखो मेरा नाम है ना पोपट भाई आहिर है आज हम आपको स्पेशल लेने के लिए आए हैं आप मेरे साथ चलिए आपके हालात को बदलाव लाएंगे आपको एक अच्छा आदमी बनाएंगे आपसे लोग डरते पता है आपको आप पहले अच्छे आदमी बन जाओ मेरे साथ चलो आप और साथ में पी के चाय पियेंगे भजिया खाएंगे हम क्यों चलिए मेरे साथ चलिए खड़े हो जाइए आ जाइए चलिए आ जाइए इधर 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 शांति से जाओ चाय चाय पिए खाडो छे खाडो इधर बैठ जाओ इधर बैठो उधर बाकड़े पे इधर आओ इधर इधर बस स्टेशन पे इधर गाड़ी भी हमारी इधर है मैं कहीं नहीं थारे के आई बैठू कोई तो मैं बैठू थारे कोई तो छोड़ दो हमारे डर दो बस अब देखो क्यों नहीं आऊं छोड़ क्यों नहीं आऊं यहां चुरू में केम नहीं आऊं तुम्हार जो तो नक के वागी गया मने हां मने वागी आऊं कराई हैं आओ कराई चलो आ जाओ चलो बाजे नहीं आऊं मैं नहीं नाची दूंगा चलिए दोस्तों अभी भाई थोड़े क्या वो बन गए कि भाई मुझे आना ही नहीं है थोड़ा समझाते प्यार से और कुछ अच्छा करने की कोशिश करते और काफ़ी समझदार है तो समझ जाएंगे पढ़े लिखे आदमी है बाकी ऐसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा बराबर ना आओगे ना मेरे साथ जो मान गया ना देखो प्यार से कोई भी व्यक्ति मान जाता है प्यार से बड़ा कुछ नहीं है बराबर ना चलो साथ में भजिया खाते हैं आ जाओ
ऐसे हाथ नहीं पकड़ते। चलिए मैं आपको संभाल रखूँगा, चलिए खड़े हो जाए। चलिए आपको इधर कैसे बुलाते हैं पता है? आपका नाम कोई नहीं जानता तो आपको अमेरिकन कहते हैं। हाँ सही बात, सही है ना? उसकी आँखें ऐसी है ना, इसके लिए आँखें उसकी ऐसी है। आपकी आँखें दिखाओ मुझे, इधर देखो। आवा नो जो प्रेम थी है, चलो आ जाओ, चाय पी रहा हूँ, चाय लेता हूँ। चाय पी जाने क्या ही नहीं जाए। भाई भागी गया छे, चलो फटाफट पाछो जाइए। हाँ लो 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 त्या लो लो, चलो मो पण आऊ आऊ नाटक ना कराय खबर छ। हाँ चलो अहिया चलो, आ बाजू पाछा जाइए। लो पानी पियो, लो पानी पियो। ऐसे क्यों उठे हुए आप, थक गए होगे इतनी आप इतना दौड़ा है हमने। लो पानी पी लीजिए, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। वो ना चले यार, मानस सारा बनी जाओ पछे जता रे। आगे बैसो, बैसे जाओ, बैसे जाओ। चलो तो यार प्रेम से कहता हो तो बैठ जाओ प्रेम से, चलो बैसे जाओ। तमन कंप्लीट तैयार कर देसे तमने बाइन पाछल न तो बैसो। चलो थैंक यू। जीत नहीं पकड़ते है भाई, चलिए आ जाइए उतर जाओ, इधर आ जाओ। ये देखो ये हमारी गवर्नमेंट सब सुविधा देती है, पता है आपको सब ये बात। रोड पे रहना अच्छी बात है, आ जाओ इधर। बहन उधर चले जाओ, आप बैठो इधर, इधर बैठ जाओ। दोस्तों अभी हम आनंद शेल्टर होम में आ चुके हैं, जो ज्योति सामाजिक सेवा संस्था और आनंद नगर पालिका द्वारा चलाया जाता है। अभी यहाँ पे भाई के हालात आप देखिए बहुत अभी गंभीर है, तो उसके हालात को बदलाव लाएंगे और उसके बाद उसके रहने की कुछ अच्छी जगह पे उसका कुछ बंदोबस्त करेंगे, जिसके वजह से भाई की अच्छी जगह मिलेगी, खाना पीना रहना सब कुछ मिलेगा, तो भाई की मानसिक स्थिति सुधर सकती है। बराबर ना भैया, है ना? चलिए दोस्तों, कातर भी काम नहीं कर रही है, कितने सालों के बाल पड़े होंगे पता नहीं। आज दोस्तों आप देखिए भाई के बाल काफी अच्छे हैं और काफी क्यूट लुक है, अभी मस्त तैयार हो जाएंगे। अभी हजाम को भी हमने बुला लिया है, तब तक हम उसके बाल को सही करते हैं। इतनी सारी बालों की आप उसकी छोटी आप दे सकते हो। भैया को हम जब से लेके आए हैं यहाँ पे, तब से वो अपना काम खुद का काम खुद ही कर रहे हैं। हमें ये सीखने लायक बात है कि कोई भी इंसान बदलना ज़रूर चाहता है, बस उसको एक अच्छे राह और कोई अच्छी जगह मिल जाए तो कोई भी आदमी बदल सकता है। अभी देखिए मस्त, तो खड़े रहो आप। अरे अभी पहनना है, खड़े हो जाओ।
आपने आपको शायद समझ में आ ही गया होगा कि आदमी अपने कपड़े से बहुत ही अच्छी तरह से पहचाना जाता है। जो पहले हम लेकर आए थे आपने आगे वीडियो में देखा, लोग उससे डर रहे थे, लोग भाग रहे थे, बट आप देखिए साथ में कोई भी आदमी बैठ सकता है, उसके साथ बातचीत कर सकता है, एक बिजनेसमैन की तरह वो भी अपनी लाइफ को जी सकता है। एक इंसान को अपने कपड़े से या फिर उसके उसके जो वर्तन होता है उससे कभी आंकना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान बदलाव लाना ज़रूर चाहता है। बस आप भी देख सकते हो जो भैया को हम लेकर आए थे, अभी की हालत देखिए कितने बदल, तो बराबर ना भैया कैसा लग रहा है अभी है, कैसा लग रहा है, शर्मा रहे हो आप हमसे है भैया, ऑफिस में आ जाओ, चलिए आपके साथ आप बिजनेस डीलिंग करेंगे। इधर देखो, इधर 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 स्माइल दो। पहली बार मैं किसी के साथ सेल्फी ले रहा हूँ, पता है आपको आप कितने लकी हो। इंसान आपसे, लोग आपसे डर रहे थे, आपसे भाग रहे थे, समझ रहे हो मेरी बात। अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, मेरी बात सुनो, अच्छे टाइम पे कपड़े पहनो, अच्छे नहा लो धो लो, अच्छा खाना खाओ, यहाँ पे सब कुछ फ्री है, ठीक है, शांति से रहो, इधर आपको इधर कोई नहीं प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। बस दोस्तों यही हम कहना चाहते हैं कि कोई भी इंसान बदलाव लाना ज़रूर चाहता है, आपने देखा पूरा वीडियो, बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हमारा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था कि आदमी अपने कपड़े से पहचाना जाता है, जो फिर कोई भी फील्ड में हो, तो आपको जो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना, और आप भी इस बदलाव को लाना चाहते हो तो आप आगे आइए और एक दूसरे लोगों की मदद कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, सबको बाय बाय कर दो, इसे बाय बाय करो, दांत तो काटो, हंस के बाय बाय करो, हंस के बाय बाय करो।